तो हमारे यहाँ ये सनलाइट जो थी, एक ऐसी प्रोसेस नेचर ने हमें गिफ्ट किए, फोटोसिंथेसिस। एक दाना बोने के बाद आपको 100 दाने रिटर्न में मिलते हैं। ऐसी कोई भी प्रोसेस इंजीनियरिंग को पॉसिबल नहीं है फोटोसिंथेसिस के सिवा। इसने हमें क्या दिया? ये आयदाश की पैदाइश ने हमें फूड सिक्योरिटी दे ही दी, लेकिन बायोडायवर्सिटी दे दी। 12 महीने बहने वाली नदियां, इतना सुहाना मौसम, बैलेंस क्लाइमेट, हम लोगों को बाहर की जरूरत ही नहीं पड़ी। हमें नेचर के साथ स्ट्रगल करने की जरूरत ही नहीं थी, हम तो नेचर के कृपा में बड़े हो गए। जब हमें नेचर से झगड़ा करने का था ही नहीं, तो हमारे दिमाग में छोटे हो गए, हमारे दिल बड़े हो गए, हम लोग भरोसा रखने वाले हो गए। बाहर के लिए फाइट कम हो गई और अंदर का चिंतन बढ़ने लगा। आदमी एक जन्म के बाद में दूसरे जन्म की सोच रखने लगा, क्योंकि बाहर के लिए उसको सर्वाइवल के लिए फाइट था ही नहीं। नेचर इतना कोऑपरेटिव था, नेचर इतना ब्लिसफुल था, इसके लिए कुछ करना ही नहीं था। हम लोगों के हार्ट बड़े हो गए, हम कोऑपरेटिव हो गए, हमें कॉम्पिटेंसी चली गई। इसके एग्जैक्टली एडवर्स में यूरोप की सिविलाइजेशन डेवलप हो गई। वहां नेचर एडवर्सिटी इतनी ज्यादा थी, 9 महीने तक ठंड, सूर्य प्रकाश का नाम ही नहीं था। नेचर के साथ झगड़ा करके आदमी को जिंदा रहना पड़ता था। ऊर्जा की जरूरत थी, बहुत ज्यादा एनर्जी की जरूरत थी, और इतना मेहनत से कमाना हुआ, बांटने का दिल बड़ा नहीं हुआ था, क्योंकि बहुत मेहनत से कमाते थे हंटर गैदरर्स। बायोडायवर्सिटी तो थी ही नहीं। वहां दिमाग बड़े हो गए, क्योंकि नेचर के साथ झगड़ा करके उनको खड़ा रहना था। दिल छोटे हो गए, हमारे यहां दिल बड़े हो गए, दिमाग छोटा हो गया। वहां एनर्जी की जरूरत में तंत्र ज्ञान, टेक्नोलॉजी विकसित हो गई, पावर, और यहां तत्व ज्ञान यानी फिलोसॉफी डेवलप हो गई। पावर और स्टीयरिंग यानी दिशा देने वाला तत्व ज्ञान, वहां इंजन तैयार हो गया, यहां स्टीयरिंग तैयार हो गया। यहां का आदमी में कॉम्पिटिशन का स्पिरिट है ही नहीं। हम जब अपने बच्चों को देखते हैं कितने बड़े स्ट्रेस में क्यों है, वो क्षमता रखते नहीं, ऐसा नहीं है, वो कॉम्पिटिशन को नहीं कर सकते, क्योंकि आरएनए डीएनए में उनके कॉपरेशन है, वहां इनके अंदर कॉम्पिटिशन है ही नहीं, क्योंकि हम क्लाइमेटिकली फेवर्ड है। अभी हमारा अर्थशास्त्र जो था किसानों का, कृषि अर्थशास्त्र, पैसा यानी अनाज का जो निकलता था, जमीन से अनाज निकलता था, वो सिर्फ खाने के लिए था नहीं। हमारे यहां का ट्रेड बार्टर यानी चीज के बदले में चीज, रियल वैल्यू के बदले में हम रियल वैल्यू का एक्सचेंज करते थे, वहां कोई मेडिएटर की जरूरत नहीं थी। लेकिन सभी मानवीय सेवाएं जो थी, 12 सेवाएं हमारे यहां चलती थी, गांव की सेवाएं, वो किस पे चलती थी? वो आखिरी इसमें चलती थी किसान की पैदाइश पे, अनाज पे। अनाज ही उसका सर्कुलेशन का मीडियम था, इसीलिए किसान राजा था, बलि राजा जिसको बोलते। वो क्यों था? वो सिर्फ वैल्यू खाना नहीं बनाता था, वो मीडियम भी बनाता था एक्सचेंज का। अभी एक्सचेंज का मीडियम शिफ्ट हो गया, किसान से वो बैंकों की तरफ शिफ्ट हो गया। किसान को समझ में भी नहीं आ गया कि उसकी रिडंडेंसी कब आ गई, वो रिडंडेंट कब हो गया। आज जो बना रहा है उसको लगता था कुछ दिन तक तो मैं तो सब देश का पेट पाल रहा हूं, अभी वो भी खत्म हो गया। WTO वैसे गेहूं बाहर से आ रहा है, आपका किधर का कौन पूछेगा? भारत के किसान की शक्कर को कौन पूछेगा जो पाकिस्तान से उससे सस्ती आ रही है, ब्राजील से उससे सस्ती आ रही है। और हमारा ये कल्चर जहां बड़ी अभी तो 55% हम एग्रीकल्चर पे है, लेकिन अंग्रेज जाने के बाद करीबन 90% की हमारी एग्रीकल्चर की जो ये हो गई, दुर्दशा हो गई है। वो किस हालात से हो गई? वो मीडियम ऑफ एक्सचेंज में हम समझ नहीं पा रहे कि पैसे का मतलब क्या था। वो मीडियम था,